लेकिन आज हिंदू का खिलाफ बयान आया, बोला नहीं नहीं ये तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है। तो ये जो दोहरा मानदंड है, ये कोई पार्टी का मानदंड नहीं है। मैं भी राहुल गांधी को श्रद्धा से बोलूंगा, देखो तुम्हारा ऊपर जो भी मेरा आकलन है गलत हो गया, आपने हिंदू के लिए डीएम को हटाया ये गठबंधन से, एक बार जीवन में कुछ हिंदू के लिए करके दिखाओ, एक बार दिखाओ। हमारा बीजेपी कोई हिंदू का ऊपर मोनोपोली नहीं है, आपका भी हिंदू है, आप भी बोलते हैं कि हम हिंदू है, एक बार करके दिखाओ, स्टेलिन को उठाओ गिराओ कि नहीं तुम हिंदू का खिलाफ बोला है। देखो ये सुविधा का बात नहीं, ये तो पूरा बॉल राहुल गांधी का हाथ में है। आज राहुल गांधी हिंदू का हृदय सम्राट बन सकता है, ये तो मौका राहुल गांधी का है। राहुल गांधी कल जाके स्टेलिन से अपना संबंध काट ले, हमें कहा बीजेपी से कांग्रेस ज्यादा हिंदू हो जाएगा, ये तो मौका है। अगर मैं राहुल गांधी बनता था, हम तो एक दिन में बोलता था अब जाओ पूरा हिंदू उनको वोट देगा। ये तो मौका है, इंडिया गठबंधन क्या गठबंधन खुला है पता नहीं, उनके लिए तो ये मौका है, ये मौका को हाथ में लेना चाहिए। देखो ये सब कोई देश को बांटने का साजिश नहीं है कि इसलिए वो लोग तो देश को बांट ही चुका है 2-3 बार, तो उसमें वो प्रॉब्लम नहीं है। पूरा की पूरा हिंदू का ऊपर आक्रमण, पूरा की पूरे हिंदू, कोई बोलता है कि हिंदू एड्स है, हिंदू मलेरिया है, ये बातें ये कोई शोभा देता है? हिंदू सहनशील है, यही बात अगर दूसरा धर्म का बारे में बोलता है तो सरतन जुड़ा ऐसा बात आ जाता था, लेकिन हम हिंदू सहनशील है फिर भी कमलनाथ का पीछे हम लोग दौड़ रहा हूं, राहुल गांधी आने से राहुल गांधी अमर रहे ये बोलता हूं। हमारा ये हमें सहनशील होना, इसका कारण हमारा हिंदू को बांटने का, हिंदू को खत्म करने का ये षड्यन है, और ये षड्यन खाली ऐसा ही है नहीं, ये बड़ा षड्यन है, तो इसका खिलाफ हमें लड़ना है, इसका खिलाफ हमें पूरा हिंदू, ये पॉलिटिकल बैटल नहीं है। आप बीजेपी को शायद वोट ना दे अलग बात है, लेकिन आप ये जो हिंदू का खिलाफ बयानबाजी करा है ना, तो हम तो आपको तो सरतन जुदा नहीं बोल सकता हूँ, हम तो इतना गिर नहीं सकता हूँ, लेकिन भगवान को जरूर प्रार्थना करूंगा भाई उनको सुमति दे, उनका ध्यान आए और हिंदू का खिलाफ आगे कुछ ना कर। मणिपुर ठीक ठाक है, आसाम में तो हम ये योजना थोड़ा अलग तरीका से हम लोग आज 2 साल से चल ही रहा है, तो ये थोड़ा सा हम तो बीजेपी अपना दूसरा प्रदेश से इंस्पायरेशन लेता हूँ, तो ये हमारा असम में इस योजना का कुछ एक हम भी 1,250 रुपया देता हूँ, लेकिन शिवराज जी ने पूरा तो 1.5 करोड़ लेके गया, हम 27 लाख को देता हूँ, तो ये तो शिवराज जी ने, हम तो नदी है, उन्होंने पूरा योजना को समुद्र बना दिया, अभी हमारा ऊपर भी प्रेशर पड़ेगा असम में भी बढ़ाने के लिए। धन्यवाद धन्यवाद देते हैं। मैं सेकंड राउंड काय के लिए पिछले महीने का देखे करके पूछ लेना था, आपने स्थापित किया था असम राज्य में, और बोला नहीं नहीं ये तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है। तो ये जो दोहरा मानदंड है, ये कोई पार्टी से निकाल देता था, आप लोग बोलिए दिल से बोलिए करता था कि नहीं करता था, लेकिन आज हिंदू का खिलाफ बयान आया, बोला नहीं नहीं ये तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है। तो ये जो काल, अगर कोई एक गठबंधन का कोई व्यक्ति मुसलमान धर्म का खिलाफ ये स्टेटमेंट देता है, तुरंत और पार्टी को इंडिया गठबंधन से बाहर कर देता था। अगर यही स्टेटमेंट ईसाई का खिलाफ आता था तो पूरा उसको गठबंधन से निकाल देता था, आप लोग बोलिए दिल से बोलिए करता था कि नहीं करता था, लेकिन आज हिंदू का खिलाफ बयान आया, बोला नहीं नहीं ये तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है। तो ये जो दोहरा मानदंड है, ये कोई पार्टी का मानदंड नहीं है। मैं भी राहुल गांधी को श्रद्धा से बोलूंगा, देखो तुम्हारा ऊपर जो भी मेरा आकलन है गलत हो गया, आपने हिंदू के फ्रीडम ऑफ स्पीच है। तो ये जो दोहरा मानदंड है, ये कोई पार्टी का मानदंड नहीं है। मैं भी राहुल गांधी को श्रद्धा से बोलूंगा, देखो तुम्हारा ऊपर जो भी मेरा आकलन है गलत हो गया, आपने हिंदू के लिए डीएम को हटाया ये गठबंधन से, एक बार जीवन में कुछ हिंदू के लिए करके दिखाओ, एक बार दिखाओ।
हमारा बीजेपी को हिंदू का ऊपर मोनोपोली नहीं है, आपका भी हिंदू है, आप भी बोलते हैं कि हम हिंदू है, एक बार करके दिखाओ, स्टालिन को उठाओ गिराओ कि नहीं तुम हिंदू का खिलाफ बोला है। देखो ये सुविधा का बात नहीं, ये तो पूरा बॉल राहुल गांधी का हाथ में है। आज राहुल गांधी हिंदू का हृदय सम्राट बन सकता है, ये तो मौका राहुल गांधी का है। राहुल गांधी कल जाके स्टालिन से अपना संबंध काट ले, हमें कहा बीजेपी से कांग्रेस ज्यादा हिंदू हो जाएगा, ये तो मौका है। अगर मैं राहुल गांधी बनता था हम तो एक दिन में बोलता था अब जाओ पूरा हिंदू उनको वोट देगा। ये तो मौका है, इंडिया गठबंधन क्या गठबंधन खुला है पता नहीं, उनके लिए तो ये मौका है, ये मौका को हाथ में लेना चाहिए। देखो ये सब कोई देश को बांटने का साजिश नहीं है कि इसलिए वो लोग तो देश को बांट ही चुका है दो तीन बार, तो उसमें वो प्रॉब्लम नहीं है। पूरा की पूरा हिंदू का ऊपर आक्रमण, पूरा की पूरे हिंदू, कोई बोलता है कि हिंदू एड्स है, हिंदू मलेरिया है, ये बातें ये कोई शोभा देता है? हिंदू सहनशील है, यही बात अगर दूसरा धर्म का बारे में बोलता है तो सरतन जुड़ा ऐसा बात आ जाता था, लेकिन हम हिंदू सहनशील है फिर भी कमलनाथ का पीछे हम लोग दौड़ रहा, राहुल गांधी आने से राहुल गांधी अमर रहे ये बोलता हूं। हमारा ये हमें सहनशील होना, इसका कारण हमारा हिंदू को बांटने का, हिंदू को खत्म करने का ये षड्यन है, और ये षड्यन खाली ऐसा ही है नहीं, ये बड़ा षड्यन है, तो इसका खिलाफ हमें लड़ना है, इसका खिलाफ हमें पूरा हिंदू, ये पॉलिटिकल बैटल नहीं है, आप बीजेपी को शायद वोट ना दे अलग बात है, लेकिन आप ये जो हिंदू का खिलाफ बयानबाजी करा है ना, तो हम तो आपको तो सरतन जुदा नहीं बोल सकता हूँ, हम तो इतना गिर नहीं सकता हूँ, लेकिन भगवान को जरूर प्रार्थना करूंगा भाई उनको सुमति दे, उनका ध्यान आए और हिंदू का खिलाफ आगे कुछ ना कर। मणिपुर ठीक ठाक है, आसाम में तो हम ये योजना थोड़ा अलग तरीका से हम लोग आज दो साल से चल ही रहा है, तो ये थोड़ा सा हम तो बीजेपी अपना दूसरा प्रदेश से इंस्पायरेशन लेता हूँ, तो ये हमारा असम में इस योजना का कुछ एक हम भी 1,250 रुपया देता हूँ, लेकिन शिवराज जी ने पूरा तो 1.5 करोड़ तक लेके गया, हम 27 लाख को देता हूँ, तो ये तो शिवराज जी ने, हम तो नदी है, उन्होंने पूरा योजना को समुद्र बना दिया, अभी हमारा ऊपर भी प्रेशर पड़ेगा असम में भी बढ़ाने के लिए। धन्यवाद धन्यवाद देते हैं। मैं सेकंड राउंड काय के लिए पिछले मैंने का देखे करके पूछ लेना, आपने स्थापित किया था असम राज्य में और आपके ही निर्देशन में तमाम चुनाव भी हुए थे और जनता आपके पीछे खड़ी थी, आज आप मध्य प्रदेश में आए हैं, चुनाव का मौका है, क्या यहाँ के जो स्थानीय नेता है मध्य प्रदेश के उनमें सीएम भी इन्वॉल्व है और प्रदेश अध्यक्ष भी, वो कोई टिप देकर जाना चाहेंगे जिससे कि हम तो प्रहलाद भाई से जब पहले मणिपुर जीता प्रहलाद भाई से सीखा, उनका प्रेरणा से ही जीता हम लोग, और मध्य प्रदेश से ही बीजेपी देश का बीजेपी प्रेरणा लेता है, तो हमारे लिए ये तो एक श्रद्धा का केंद्र है, तो हमारा जो पूरा जीवन शैली है मध्य प्रदेश का कार्यकर्ता से ही हमारा कार्यकर्ता सीखता है, अभी भी तोमर जी ही हमारा पर्यवेक्षक जब असम जीता, तो हमने पूरा मध्य प्रदेश का जो काम होता है उसी को कॉपी किया, तो पूरा देश का भाजपा के लिए मध्य प्रदेश एक प्रेरणा का स्थल। बहुत बहुत धन्यवाद, अपन बाकी अनौपचारिक एक मैं समाप्त करता हूँ। मणिपुर में समस्या था, नॉर्थ ईस्ट थोड़ा सा अलग, कोई कोई विषय में थोड़ा सा अलग इश्यूज है, हम बहुत सारा सालों में संघर्ष का साथ है, लेकिन अभी सिचुएशन इज अंडर कंट्रोल और धीरे धीरे सिचुएशन अच्छा भी हो रहा है, और हमारा लगता है कि 2-3 महीना में एकदम भाईचारा का माहौल बन जाएगा। एक कोई पीछे रह गए शायद।